तो गाइस आज का ब्लॉग बहुत अलग होने वाला है। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि भाई एडिटिंग पे वीडियो लाओ, मतलब बहुत सारा रिक्वेस्ट मतलब कमेंट आ रहा था कि भाई एडिटिंग पे वीडियो लाओ। तो हम लोगों ने सोचा चलो एडिटिंग पे भी वीडियो ले आते हैं। तो आज हम पहले आपको शूटिंग दिखाएंगे, हम लोग कैसे शूट करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, ये सब जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा एडिटिंग में कि कैसे कैसे किया ये लोग, ठीक है। तो पहले आप लोग अच्छा से मतलब शूटिंग देख लो, उसके बाद एडिटिंग में आपको आराम से समझ आएगा, फिर आप लोग भी बना सकते हो ऐसा वीडियो, या फिर बस सीख लो। अगर आप कोई मतलब दूसरा वीडियो भी बनाते हो उसके लिए ये भी बहुत हेल्पफुल है, मतलब साउंड क्या साउंड लगाते हैं कैसे लगाते हैं, तो ये सब आप अच्छे से मतलब देख लेना। तो चलिए पहले आपको शूटिंग दिखाते हैं। चलिए फिर देखिए आप लोग शूटिंग। तो गाइस अभी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ पे स्क्रिप्ट याद करेंगे फिर बनाएंगे वीडियो। इधर देखिए कितना मस्त लोकेशन है, यहीं पे वीडियो बनाएंगे। तो गाइस अभी मतलब इसका अभी मतलब सोलो वाला है, मतलब अकेले वाला है, तो वो सीन अभी कर रहा है, अभी डायलॉग याद कर रहा है, डायलॉग अभी देखिए क्या क्या बोलता है, उसके बाद बने रही ब्लॉग में दिखाते हैं आगे। ये भी लास्ट स्पिन में निकल रहा है, छोड़ो निकाल लेता हूँ। गजेना को मेरे से पर्सनल दुश्मनी है, क्या बार बार लास्ट स्पिन में निकलता है, लेकिन सबको बताऊंगा एक डायमंड में ही निकाला हूँ। एक स्पिन में ये भी लास्ट स्पिन में निकल रहा है, छोड़ो निकाल लेता हूँ। लेकिन सबको बताऊंगा एक स्पिन में निकाला हूँ। तो गाइस अभी गोविंद भाई करेगा, हम इधर से थोड़ा चल के आएंगे, फिर यहाँ पे बैठेंगे और ये भाई बोलेगा, फिर उसके बाद हम रुपेश भाई के साथ वीडियो बनाएंगे। ये देखो भाई न्यू एंट्री रिमोट निकाल लिया हूँ। अरे वो सब छोड़ो ना, बियर खेलते हैं। एंट्री रिमोट दिखाने आया, खेलने नहीं। तो गाइस उन दोनों का सीन हो चुका है, अब मेरा लास्ट ही है, अब लास्ट मतलब देखिए, लास्ट देखिए फिर एडिटिंग दिखाएंगे। ये लैम्बोर्गिनी एंट्री रिमोट तो यही है, अब ये वाला निकालू या नहीं समझ नहीं आ रहा। अरे भाई निकाल लो, मैं देखो एक स्पिन में ही निकाल लिया। कहाँ दिखाना, पर इसमें तो सब चले ना। तो गाइस एंगल चेंज हो गया है, मतलब उधर से भी लिए तो थोड़ा इधर से भी लेना है, मतलब क्लोजअप लेना है कि बोलेगा तो उसका फेस वाला लेना है। इसमें तो पर इसमें तो सब में स्पिन मारा हुआ है। पर इसमें तो सब में स्पिन मारा हुआ है। वो फर्स्ट स्पिन में ही निकल गया था, वो फर्स्ट स्पिन में ही निकल गया था, तो सोचा डायमंड का अच्छा थोड़ी ना डालूंगा, तो सब निकाल दिया। जिन बोल दो मरा अच्छा बोल दूंगा। वो फर्स्ट स्पिन में ही निकल गया था, तो सोचा डायमंड का अच्छा थोड़ी ना डालूंगा, तो निकाल लिया। कंजूस डायमंड बर्बाद करेगा, लास्ट में निकाला होगा, लास्ट में निकाला होगा, और मेरा डायमंड बर्बाद करने आया था, मेरा डायमंड बर्बाद करने आया था। बोल मन से तुम्हारे जैसा कंजूस डायमंड बर्बाद करेगा। कुछ बोले ठीक बोला बोली तुम जैसा कंजूस लास्ट जैसा कंजूस डायमंड बर्बाद करेगा, लास्ट स्पिन में निकला होगा और मेरा डायमंड बर्बाद करने आया था। चल मेरा डायमंड बर्बाद, तू कंजूस डायमंड बर्बाद करेगा, तुम्हारे जैसा कंजूस डायमंड बर्बाद करेगा लास्ट स्पिन में निकला। हाँ तुम्हारे जैसा कंजूस, वन टू थ्री, तुम्हारे जैसा कंजूस डायमंड बर्बाद करेगा, लास्ट स्पिन में निकला होगा और मेरा डायमंड बर्बाद करने आया। ये करके भागना हो गाइस, ये लास्ट टेक है, ये अह करेगा अब भाग जाएगा। वन टू थ्री कर ले, चल वन तो गाइस शूटिंग कंप्लीट हो चुका है, अब आप लोग देखिए एडिटिंग। तो गाइस आप अपने एडिटिंग ऐप को खोल लीजिएगा जिससे आप एडिट करते हैं, मैं तो कैपकट से करता हूँ, बहुत लोग काइन मास्टर से भी करते हैं, तो बस प्रोसेस सेम है, बस हम कैपकट से कर रहे हैं, आप जिससे भी करते हैं वैसे मतलब सेम टू सेम करिएगा, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ मतलब वीडियो जो होता है, जो रिकॉर्ड किए थे उस समय, वो सब मतलब लेना है, ठीक है। और वो मतलब देख देख के वीडियो मतलब अच्छे से मतलब लगा लेना है। देखिए हम कैसे लगा रहे हैं, जहाँ से डायलॉग को स्टार्ट किए थे बोलने, वहाँ से मतलब लगा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं वहीं से। गजेना को मेरे साथ पर्सनली दुश्मनी है, हर बार लास्ट स्पिन में निकलता है, लेकिन सबको बताऊंगा एक स्पिन में निकाला हूँ। तो ये फर्स्ट वाला डायलॉग था जो बोलना था, तो ये वाला मतलब यहाँ से कट लगा के फिर दूसरा मतलब डायलॉग सेट करेंगे। यहाँ से इसका बोलने वाला सीन खत्म हो जाता है, फिर दूसरा जगह जाता है। ये देखिए मेरा सीन है यहाँ पे, तो मतलब अचानक से यहाँ आ जाता है, तो मैं खेलता रहता हूँ, तो इसको मतलब अच्छा से क्रॉप करना, थोड़ा सा खेलने वाला दिखाना है, उसके बाद वो आ रहा है, ठीक है। तो ये हाँ, यहाँ से मतलब क्रॉप वगैरह करके मैनेज करके करना होगा आपको। ये देखो भाई, न्यू एंट्री मोड निकाल लिया हूं। अरे वो सब छोड़ो ना, वीआर खेलते हैं। तो यहाँ मैंने बोला था ये सब छोड़ो, आओ बीआर खेलते हैं। तो मतलब इसको मतलब थोड़ा सा झटका लगेगा, मतलब शोक होगा ये, तो वो मतलब इसको क्रॉप कर लेना। उसके बाद दूसरा वाला सीन में इसका मतलब शोक वाला लगाना, जो मतलब शोकिंग होता है, तो वो वाला लगाना है। तो देखिए हाँ, इस तरह मतलब क्रॉप करके लगाना है, ये मतलब बोला था और ये मतलब शोक हो गया, ठीक है। तो मतलब थोड़ा अच्छे से मतलब मैनेज करके लगाना होगा आपको, ताकि साउंड लगाते समय कोई दिक्कत ना हो। तो ये वाला मतलब अच्छे से मतलब एक बार सेट कर लीजिएगा आप। इंट्री मोड दिखाने आया, खेलने नहीं। तो आप लोग को इसी तरह कट कर करके वीडियो मतलब लगाना होगा। उसके बाद देखो, इसके बाद आएगा दूसरा सीन, मतलब तीसरा सीन आएगा, वो रुपेश का आएगा। तो यहाँ से मतलब डायरेक्ट चला जाता है रुपेश के पास, तो वो वाला सीन ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से वो मतलब ये इसका डायलॉग जैसे मतलब खत्म होगा, उसके बाद ये पहुँच जाएगा। ये लैम्बोर्गिनी एंट्री मोड तो है ही है, अब ये वाला निकालूं या नहीं समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई निकाल लो, मैं देखो एक स्पिन में ही निकाल लिया। कहाँ दिखाना? तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, यहाँ पे फिर यहाँ से इस सीन को कट करके वो वाला सीन मतलब जोड़ लेते हैं, इसके आगे वाला जो क्लोजअप लिए थे। पर इसमें तो सब में स्पिन मारा हुआ है। तो इसका डायलॉग ये हो गया। अब ये बोलेगा, लास्ट स्पिन में ही निकल गया था, तो सोचा डायमंड का अचार थोड़ी ना डालूंगा, तो निकाल लिया। तो गाइस इसी तरह आपको सब वीडियो को जोड़ लेना है। अब आपको दिखाते हैं कि हम लोग जो गेम प्ले वगैरह खेलते हैं या फिर कुछ लगाते हैं गेम का, तो वो कैसे लगाते हैं। तो मतलब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ओवरले, मतलब आप काइन मास्टर से कर रहे हैं तो वहाँ लेयर पे जाके कर सकते हैं। यहाँ कैपकट में ओवरले से होता है, मतलब ऊपर में क्लिप लगाना होता है। तो देखिए यहाँ ओवरले में जाएंगे, यहाँ जो भी वीडियो है उसको ले लेना है, जो भी मतलब रिकॉर्डिंग किए थे गेम में वो वाला लेके आगे में लगा देना। इसी तरह सबको आपको सेट करना होगा, जहाँ जहाँ जो बोले हैं जो बोले हैं उसी तरह मतलब वीडियो को सेट करना होगा। जब आप लोग सब क्लिप लगा लेंगे गेम वाला, तो उसके बाद देखिए मतलब जो नीचे में ब्लैक टाइप का मेरे वीडियो में होता है, जो ऊपर नीचे जो ब्लैक ब्लैक दिखता है, तो उसको लगाना है। कोई भी मतलब ब्लैक फोटो कोई भी हो, उसको मतलब एक नीचे से एक ऊपर से लगाना होगा। तो वो लगाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में वीडियो, तो प्रोफेशनल टाइप का थोड़ा लगेगा दिखने में, तो वो लगा लेना है। कोई भी मतलब फोटो कहीं से भी ले आओ, ब्लैक वाला चाहे कुछ भी का हो, बस ब्लैक वाला ऊपर नीचे लगा दो, बस मस्त लगेगा दिखने में। यहाँ तक जब हो जाएगा तो आपको कलर ग्रेडिंग थोड़ा सा कर देना है वीडियो में, थोड़ा क्वालिटी मतलब अच्छा लगेगा दिखने में। तो यहाँ पे XSL जो लिखा होता है ना, उसमें जाके यहाँ पे मतलब ग्रीन को, येलो को, रेड को थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेना है, ठीक है। ब्लू को भी बढ़ा लेना है, मतलब सबको मतलब अपने हिसाब से मैनेज करके देख लेना कि कैसा लग रहा है वीडियो, तो वैसे आपको मतलब बढ़ा लेना है, सबको मस्त लगेगा दिखने में, क्वालिटी थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में। उसके बाद आपको यहाँ से VPN को कनेक्ट कर लेना है, कैपकट को पहले मतलब हटा देना वहाँ से, उसके बाद VPN को आप यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए, कोई भी VPN हो। बैकग्राउंड से कैपकट को हटा देना, उसके बाद फिर से ओपन करना है, ताकि VPN अच्छे से मतलब कनेक्ट हो जाए उसमें। VPN इसलिए कनेक्ट किया हूँ क्योंकि इसमें मतलब जो कुछ लिखना होता है या फिर इफेक्ट वगैरह डालना होता है, तो मतलब वहाँ नो इंटरनेट का मतलब कुछ लिखा आता है। तो अब जिस टॉपिक पे वीडियो, उस टॉपिक पे मतलब टाइटल लिखना है कुछ ऊपर में, तो जो मेरे वीडियो के ऊपर में होता है लिखा हुआ टाइटल, मतलब वो देखिए कैसे लिखते हैं, मतलब जो भी टाइटल है वो आपको यहाँ लिख देना है। तो हमारा आधा से ज्यादा काम हो गया है, बस अब साउंड लगाना है। साउंड हम लोग कैसे लगाते हैं, तो देखिए, तो आपको सबसे पहले डायलॉग को सुनना है, डायलॉग जिस तरह है उसी तरह का मतलब साउंड जो मैच हो रहा है उसके हिसाब से लगाना है। गजेना को मेरे साथ पर्सनली दुश्मनी है, हर बार लास्ट स्पिन में निकलता है। ये फर्स्ट वाला डायलॉग का जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो मतलब लगा दिया, मैच हो रहा है, मस्त बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया। अब थोड़ा शॉकिंग वाला साउंड इफेक्ट लगाना है। दुश्मनी है, हर पर्सनली दुश्मनी है, हर बार लास्ट स्पिन में निकलता है। तो एक यहाँ भी लगेगा, वो थोड़ा लगेगा दूसरे टाइप का, उई जो करता है वो वाला मतलब लगाना साउंड इफेक्ट शॉकिंग वाला। स्पिन में निकलता है, स्पिन में निकलता है। अब इसका नेक्स्ट डायलॉग जो है उसका मतलब उसके हिसाब से फिर से एक लगाना है, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है फनी वाला। सबको बताऊंगा एक स्पिन में निकाला हूं। तो यहां पे थोड़ा फनी वाला लगाना है, तो वो वाला साउंड इफेक्ट मतलब सर्च कर लेना जो डाउनलोड किए हुए हैं, मतलब आप डाउनलोड किए हुए तो सर्च कीजिएगा, आ जाएगा आपके में। स्पिन में निकाला हूं। नो, 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 नो। तो यहां से दूसरा सीन स्टार्ट होता है, तो यहां पे एक ट्रांजिशन लगाना है लेफ्ट वाला, जो अचानक से लेफ्ट हो जाता है।
No. तो ये वाला ट्रांजिशन लग गया, अब इसके जगह मतलब साउंड इफेक्ट भी लगाना ताकि रियलिस्टिक थोड़ा लगे दिखने में। No. तो इसका एंट्री टाइट मेरे पास होता है तो इसके जगह एक खतरनाक सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, जो जो मैंने मतलब डाउनलोड करके रखा था तो वो सब आपको भी मतलब रखना होगा, खोजना होगा, यूट्यूब पे खोजिए अच्छे से, मतलब जो अच्छा लगे वो डाउनलोड कर लीजिए। ये देखो भाई, न्यू एंट्री इमोट निकाल लिया हूँ। अरे वो सब छोड़ो ना। तो गाइस वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मैं बता ही दिया हूँ कैसे कैसे लगाना है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 घंटा लगेगा एडिट करने में, लेकिन आराम से करिएगा ध्यान लगा के तो अच्छे से वीडियो एडिट हो जाएगा। और जो छोटा छोटा साउंड इफेक्ट होता है वो सब मतलब यूज कीजिए थोड़ा, जहाँ जहाँ जरूरत हो तो थोड़ा वीडियो लगेगा कि हाँ, कहीं मतलब ऐसा ना लगे कि यहाँ मजा नहीं आ रहा है, रुका हुआ है, मतलब ऐसा लगे कि मतलब हर जगह साउंड इफेक्ट वगैरह आराम से अच्छे से यूज कीजिए तो मतलब वीडियो में थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में, लगेगा कि हाँ ये वीडियो है मस्त बना है। तो इसी तरह आप लोग एडिट करके पूरा वीडियो कर लीजिएगा, अभी हम दिखा देते हैं कैसे एडिट हुआ है वीडियो, मतलब थोड़ा सा भी एडिट करके दिखाए हैं। गजेना को मेरे साथ पर्सनली दुश्मनी है, हर बार लास्ट स्पिन में निकलता है, लेकिन सबको बताऊंगा एक स्पिन में निकाला हूँ। ये देखो भाई, न्यू एंट्री इमोट निकाल लिया हूँ। अरे वो सब छोड़ो ना, अभी यार खेलते हैं। एंट्री इमोट दिखाने आया, खेलने नहीं। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया मतलब कैसा बना वीडियो यहाँ तक, मतलब मस्ती बना है। उसके बाद जो होता है, जो शोक वाला होता है, जो मतलब अचानक से मतलब इस तरह करता है, तो उसके जगह जो हम लोग इफेक्ट वगैरह जो लगाते हैं ना, तो वो हम दिखा देते हैं हम कैसे लगाते हैं। तो आपको वीडियो को 2 जगह कट कर लेना होगा और बीच वाले पार्ट को है ना उसको ब्लैक कर देना है। ये देखो सेचुरेशन यहाँ पे मतलब कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना और सेचुरेशन को कम कर देना पूरा। देखो यहाँ ब्लैक टाइप का हो गया, ये ब्लैक टाइप का जो इफेक्ट बना है मस्त बना है, इसके साथ बहुत अच्छे से मैच हो रहा है। तो यहाँ पे एक चमकने वाला फ्लैश टाइप का जो होता है ना उसको लगाना है। तो यहाँ पे वीडियो इफेक्ट पे आ जाना है और यहाँ नाइट क्लब में आ जाना है। यहाँ पे आपको एक दिखेगा यहाँ वाइब्रेशन फ्लैश, तो इस पे आएंगे तो देखिए चमकने वाला मिल गया है। इसको छोटा करके मैनेज करके इसको यहाँ अच्छे से सेट कर दीजिए, मस्त लगेगा फिर देखने में वीडियो। तो भाई यहाँ पे जो 2 इफेक्ट दिख रहा है इसी में मिल जाएगा, नाइट क्लब में मिल जाएगा, कैपकट में मिल जाएगा सब। तो आप लोग अच्छे से कर लेना देख के। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। बाय बाय।